कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी शो में हर दिन कंटेस्टेंट लाखों रुपए जीत रहे हैं। हॉट सीट पर पहुंचने के बाद बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट से उनकी लाइफ के स्ट्रगल और उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। बीते महीने एक एपिसोड में केबीसी में भाग लेने वाली कंटेस्टेंट श्रद्धा खरे ने अपनी लाइफ के संघर्षों के बारे में बताया था। अब अमिताभ बच्चन के सामने नेशनल टीवी पर अपनी लाइफ का खुलासा करने के लिए श्रद्धा के पति ने उनके और सोनी टीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। श्रद्धा खरे पर उनके पति विनय खरे ने नेशनल टीवी पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। विनय खरे ने 20 सितंबर को अपने ट्विटर पर खुद इस मुकदमे की जानकारी भी शेयर की। दरअसल श्रद्धा खरे और विनय के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उनकी लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। केबीसी हॉट सीट पर बैठी श्रद्धा ने अमिताभ बच्चन के सामने अपना सारा दर्द बयां कर दिया। उन्होंने टीवी पर ही कहा कि उनके पति यानी विनय खरे ने उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया। अपने अंडर ट्रायल केस के बारे में बताते हुए भी श्रद्धा भाव को उठी थी। इस दौरान अमिताभ बच्चन चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद अब विनय खरे ने अपनी पत्नी और चैनल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। विनय खरे ने नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मेरी पत्नी केबीसी की हॉट शीट में बैठी थी और उन्होंने अंडर ट्रायल केस में मेरा अपमान किया है, इसलिए लीगल नोटिस भेजा है। शख्स ने अपनी पत्नी पर कानून अपने हाथ में लेने का आरोप भी लगाया है। श्रद्धा खरे ने शो के दौरान कहा था कि उनके पति ने कभी उनका समर्थन नहीं किया। विनय खरे ने अपने ट्वीट में इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, अपनी पत्नी को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी। आज वो एक इंटरनेशनल बिजनेस चला रही हैं और मैं उनके द्वारा किए गए केस के कारण बेरोजगार हो गया हूँ। अब वो अलग अलग कोर्ट में मुझसे मुआवजे की मांग कर रही है। वहीं चैनल को भी निशाने पर लेते हुए विनय ने कहा कि चैनल वाले कैसे एक अंडर ट्रायल केस के लिए एक तरफा पक्ष दिखा सकते हैं। अपने एक इंटरव्यू में विनय खरे कहते हैं कि अगर मैं एक आतंकवादी होता और मुझ पर कोई केस चल रहा होता और मैं केबीसी में आता और राष्ट्रीय हित के खिलाफ अपनी कहानी सुनाता तो क्या केबीसी उसे प्रसारित करता बिना दूसरा पक्ष जाने हुए। आपको बता दें कि शो में पहुंची श्रद्धा की किस्मत अच्छी नहीं रही, वो सिर्फ 10,000 रुपये ही जीत पाई। वहीं अब उन्हें पति से एक और मामले में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।